I think Abhinay is the right person to answer that question. Abhinay, if you can just take that, because kafi discussions hue is gaane ke bare mein. I think Abhinay will take you through the process. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था एक्चुअली कि ये हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी जब एक एंथम सॉन्ग करने का आइडिया आया था कि इस फिल्म के लिए फोर्स एंथम ये बहुत ज़रूरी था जो कि ये इस फिल्म का एक सार तीन मिनट में बता सके या फोर्स इस शब्द के कुछ और मीनिंग्स लोगों के सामने रख सकें. तो ये एक बेसिक आइडिया था तभी और ये हमने सब ने डिस्कस किया और सबको बहुत अच्छा लगा ये आइडिया. और उसके बाद हमने मतलब हम फिल्म शूट करते रहे एंड इवेंचुअली एक समय आ गया जब हमने गौरव से ये बात करी एंड बिटवीन गौरव कुमार एंड द टीम ये एक यू नो एक मिलकर एक दो तीन दिनों में ये पूरा गाना लिखा गया. तो इसका एक ही मकसद एक था कि हम फोर्स इस गाने के थ्रू हम जितने कम समय में हो सके लेकिन एक अप्लॉज दे सकें, एक स्टैंडिंग ओवेशन दे सकें अनसंग हीरोज़ के लिए, यू नो, जो हमारे लिए यू नो हु टेक केयर ऑफ अस एंड आर सिक्योरिटी एवरी डे. सो दैट वॉज आर इंटेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड समवेयर डाउन द लाइन इट कोइंसाइडेड विथ वॉट द सिचुएशन टुडे इन आर कंट्री इज. सो दिस इज हाउ द यहाँ से शुरू हुआ था. ओके जॉन, मेरा सपना मुश्किल रहा. नहीं, मैं क्रेडिट कुमार को देना चाहता हूँ, द जेंटलमैन हु रोट द लिरिक्स. क्योंकि जब भी मैं गा रहा था अभिनय को बताया कि एवरी टाइम एक देयर पॉइंट्स इन द सॉन्ग वेयर आई नियरली हैड टीयर्स इन माय आईज, क्योंकि एकदम गुस्से में गा रहा था मैं, एकदम पैशन के साथ. एंड आई थिंक इट कम्स नेचुरली एंड ऑनेस्टली इफ यू आर एन इंडियन इट विल कम नेचुरली. वो तो आएगा ही आएगा एंड इट जस्ट शोड इन एवरी शॉट एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. जो प्रोसेस था मेरे लिए वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. हालांकि सिर्फ एक वॉइस ओवर था बट आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक, जस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी. एक्चुअली उल्टा था. क्रिएटिव डिफरेंसेस तो छोड़िए, हमारे बीच में एक्चुअली इतनी अच्छी दोस्ती है और हम एक दूसरे को मतलब देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस. तो ही हैज़ बीन एक्चुअली मोर ऑफ अ क्रिएटिव पार्टनर. क्योंकि कुछ क्या होता है ना कि जब एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी होता है और जब आपका प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर है तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प होती है आपको, क्योंकि वो समझ सकता है एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों एक चीज़ करना चाहते हैं. तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एसेट था मेरे लिए. क्रिएटिव डिफरेंसेस तो बहुत ही दूर की बात है. ओके सोनाक्षी, मेरा सवाल आपसे है. अकीरा के बाद दूसरी फिल्म फोर्स टू, और यहाँ पे भी आप बेहतरीन एक्शन करती नजर आ रही हैं. कैसा एक्सपीरियंस रहा, खास करके जो गाना हमने आज देखा उसके बारे में जानना चाहूँगा. और बैक टू बैक एक्शन फिल्में कर रही हैं आप, कोई खास वजह फिल्में इस तरह से मिल रही हैं या आप खुद प्रेफर कर रही हैं एक्शन करने के लिए? नहीं, एक्चुअली ये कोइंसिडेंस था कि दोनों एक्शन फिल्में बैक टू बैक आई मेरे पास. बट जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे दोनों रोल्स बहुत पसंद आए और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है. स्टाइल ऑफ एक्शन भी दोनों फिल्मों में बहुत अलग है. सो हाँ, एंड मुझे एक्शन फिल्में देखना बहुत पसंद है और उनका हिस्सा बनना पसंद है. सो और रोल वॉज फैंटास्टिक, तो उन सब रीजन्स के लिए मैं इस फिल्म का हिस्सा बनी. और अदर देन दैट, अच्छा लगता है जब आपकी फिल्म में एक यू नो लार्जर देन लाइफ अप्रोच हो, ऐसा संदेशा देने के लिए कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं. और जब मैंने ये गाना सुना, सच्ची मेरे एक्चुअली हर बार जब मैं सुनती हूँ, आज भी मैंने सुना और मेरे रोंगटे खड़े हो गए. क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी वेरी पेट्रियाटिक, इट्स वेरी इमोशनल, इट्स वेरी टचिंग. एंड आज के दिन आई थिंक हर इंडियन को इससे कनेक्ट करने का मौका मिलेगा कहीं ना कहीं.
So I feel I'm really happy that we have a song like this in our film, or I hope that it inspires a lot of Indians today. Okay, John, अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं और Force 2 एक फ्रेंचाइजी एक बेहतरीन कमाल हिट फिल्म की, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है और आपने कैसे मैच किया जॉन अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं सोनाक्षी? जी आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे इनके साथ में एक्शन करने का मौका मिल रहा था. इनफैक्ट बहुत कोई फिल्म में नहीं होता, एक एक्शन सीन था जहाँ पर मैं साइड पर थी और शूट के दिन इन्होंने अकीरा का ट्रेलर देखा और उन्होंने एक्शन डायरेक्टर से कहा कि नहीं इसको भी डालो सीन में एंड मेक हर डू द एक्शन. सो थैंक यू फॉर दैट जॉन. कभी नहीं होता कि शूट के दिन सीन बदला जाता है एक एक्टर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसमें, तो फॉर दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई फील वेरी वेरी लकी एंड एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए. सो आई डिडंट रियली आई वाजंट स्केयर्ड, आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड. ओके, फोर्स टू है क्योंकि पहली वाली फिल्म बहुत कामयाब रही है सोनाक्षी. ताहिर और जॉन पहले ही फिल्म का हिस्सा रहे हैं, आप नई एंट्री हैं फिल्म के अंदर. Please. ताहिर भी नया है. यस यस यस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. अभिनय सर भी नए हैं. यस, वेरी ट्रू. लेकिन फोर्स टू से पहले फोर्स वन जरूर देखिएगा. ओके, आप दोनों से जानना चाहूंगा, फिर ताहिर से भी जानना चाहूंगा और अभिनय से भी जानना चाहूंगा और सोनाक्षी से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जॉन पहले से फोर्स वन का हिस्सा है, एक कामयाब फिल्म रही है, आप तीनों पे कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है? वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक कामयाब फिल्म है, क्योंकि फोर्स एक बहुत अच्छी फिल्म थी, उससे हमारी इंटरेस्ट भी इस फिल्म में और ज़्यादा यू नो बढ़ गई थी, क्योंकि वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट फ्रेंचाइज एंड वंडरफुल एक्शन फिल्म. तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे अप्रोच किया गया इस फिल्म का हिस्सा बनने, इस ये रोल प्ले करने के लिए. ताहिर, आपको कैसा लगा? सबसे पहले फोर्स वन करने में मुझे बहुत मज़ा आया. नहीं, मोर सीरियसली, ये इस फ्रेंचाइज की मेरी पहली पिक्चर है एंड लाइक सोनाक्षी सेड, यूजुअली एक्टर्स को इस बात की टेंशन होती है कि यार पिक्चर चलेगी कि नहीं, लोग देखने आएंगे कि नहीं. इट्स सो रिलीविंग और बहुत गर्व होता है कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर आए हैं जिसकी ऑलरेडी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो वो सवाल तो उठता ही नहीं है कि लोग देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब ट्रेलर ऑनलाइन गया तो जिस तरह का रिएक्शन हमें मिला वो ज़्यादातर फोर्स वन के है और जॉन के फैंस थे जिन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे काम को. तो एक तरह से प्रेशर है, बट ऑन द अदर हैंड इट्स ऑल्सो वेरी रिलीविंग टू नो कि यू आर पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज दैट ऑलरेडी हैज एन ऑडियंस बेस. ओ सॉरी, ओके. नहीं, एब्सोल्युटली आई अग्री विद सोनाक्षी एंड ताहिर दैट ऐसी फिल्म जिस पे एक शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई हो उस पे काम करने का मज़ा कुछ और है. उसमें एक एज अ डायरेक्टर मुझे एक बेनिफिट लगता है हमेशा कि एक कैरेक्टर बन जाता है, जो जॉन का इस फिल्म में एक कैरेक्टर बना था और बहुत ही फैंटेस्टिक कैरेक्टर बना था कि एसीपी यशवर्धन ये जो कैरेक्टर था वो एक बेस ही उसका इतना स्ट्रांग था कि उस पर बिल्ड करने के लिए बहुत यू नो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. मेहनत ऑफकोर्स थी, लेकिन वो कैरेक्टर ही इतना अच्छा डिज़ाइन किया था पहले पार्ट में कि उसके यू नो उसके ऊपर बिल्ड करना बहुत आसान पड़ा. परवेज़ और जसमीत हमारे राइटर्स और मैं, हम जब बैठे थे तो वो एक एक चीज़ जो हीरो का जो एक कैरेक्टर होता है वो एक हमारे लिए ऑलरेडी गिवन था, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है. भाई वहाँ से शुरुआत ही अच्छी हुई हो तो फिर आगे बढ़ने में मज़ा आता है. ताहिर, स्ट्रेट. यप. Yeah, yeah. I think it was Abhinay and Vipul both spoke to me about it, and they said there's a voiceover, and you should lend your voice to it. And I just thought it was very apt because it's me talking about it. They're saying, "Desh badal gaya, sab kuch badal gaya," and it feels so right for ACP Yashwardhan, the character, to speak. He's a police officer. He's a righteous police officer. और वो मिशन पे जाता है एंड देन यू नो ही इज़ वेरी क्लियर एंड देयर्स अ इफ आई मे से दैट लाइन इन द फिल्म, क्योंकि एक लाइन है फिल्म के अंदर जहाँ मेरे सीनियर जो है मुझे बोलते हैं कि इट्स नॉट अ प्रोटोकॉल टू गो इनटू अदर कंट्रीज एंड आई से सर सब कुछ बदल गया, अभी अंदर घुस के मारते हैं.
यू नो सो दैट्स हिज कैरेक्टर, ही डजंट केयर. और वो बोलता भी, ट्रेलर में आपने सुना होगा, 5 साल पहले उसकी बीवी मर गई, उसके बाद वो सटक गया है. सो ही हैज नथिंग, ही वॉन्ट्स, ही इज ऑन अ डेथ मिशन, ही वॉन्ट्स टू जस्ट टेक एवरीबडी आउट. सो आई थिंक इट वॉज जस्ट राइट फॉर मी टू लेंड माई वॉइस टू दैट. I haven't lent my voice. Well, honestly, I was lucky that I prepared well enough for Akira that those skills came in handy over here as well. In terms of the kind of action, I think there's some really cool, very sleek, stylized, high-octane action sequences that you know, you're probably seeing for the first time in Hindi films, and I feel it's been shot really, really well. We've worked with some great action directors from across the world, and they've come up with such great sequences. I'm sure each one of you will really enjoy them. There's some amazing car chases, there's like gunfights, there's hand-to-hand combat. It's really, really cool. So I really enjoyed doing all of that. के ऊपर जब आप एक निर्णय लेते हैं कि आप इस दिशा में जाएंगे, इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाएंगे, तो घबराहट, नर्वसनेस, चिंता, वो सारी भावनाएं बिल्कुल होती हैं, हर बार होती हैं. और जिस तरह से हम लोग का सिनेमा बदल रहा है और इवॉल्व हो रहा है, यू नो, तो यू हैव टू कीप सॉर्ट ऑफ अ स्टेप अहेड. तो पहले अगर आप देखें, साल में 10-12 फिल्मों में 1 या 2 या 3 कंटेंट फिल्में आती थी. अब हिंदी इंडस्ट्री मेनस्ट्रीम कंटेंट फिल्में बना रही हैं. तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट यू हैव टू बी एट इट कॉन्स्टेंटली. एंड दैट्स वेयर दिस फिल्म बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ समबडी वर टू आस्क, यू नो, इज दिस योर काइंड ऑफ फिल्म, मे बी अ ईयर अगो आई वुड हैव सेड नो, माई काइंड ऑफ फिल्म इज मद्रास कैफे, यू नो. बट हियर वी आर डूइंग ए मेनस्ट्रीम एक्शन, यू नो, फ्रेंचाइज. But what is important is that it's not just action and sequences. I think at the heart of the film is a great story, and you will always find Viacom 18 wherever there is a story, you know. So it's the chase, it's the chessboard that happens between you know, Tahir's character and John's character, and Sonakshi is the partner on that hunt, and how that unfolds even without the action. That whole brain game is, I think, very interesting, and which excites us as someone who look for storytelling. So we are excited about this. Yes. ओके विपुल जी, मेरा सवाल आती उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर. जिस स्पिरिट में हमने एक फिल्म बनाई है और जिस स्पिरिट में ये गाना बना है, और जैसे कि हमने सबने पहले भी कहा कि जब हमने ये फिल्म शुरू की थी तो हमें नहीं पता था कि माहौल कुछ ऐसा होगा. पर जैसे जैसे इस फिल्म का अब जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो जो रिस्पॉन्स हमें आ रहा है, पहली बार एक फिल्म है जो अनसंग हीरोज़ की बात कर रही है. सारे ही जवान, सारे ही फोर्सेस हमारे देश के हीरो हैं, रहेंगे, लेकिन जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, स्पाइज हैं हमारे, वो अपना काम बिल्कुल गुमनामी में रह के करते हैं. और जैसे हमने इस फिल्म के बारे में रिसर्च किया और हमें पता चला, तो हमें लगा कि हमें इस फिल्म के ज़रिए एक ट्रिब्यूट उनको देना है. We want to pay the tribute to the unsung heroes. और ट्रेलर से लेके, इस गाने से लेके, यही सोच आगे बढ़ रही है. हम अमर जवान ज्योति पे जाना चाहते हैं और हमारा ट्रिब्यूट उनको देना चाहते हैं. और हम चाहते हैं कि जो अनसंग हीरोज़ हैं इस देश के, ये फिल्म उन लोगों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करे. सो हमारा पूरा एफर्ट रहेगा कि हम उस कॉज को आगे सिंसियरली बढ़ाएँ. थैंक यू. Okay, my question is to join the bandwagon and give you one more comment. I think the song says it all. We're very clear in this song. We've said it. That's why we're sitting here before you. This reflects the way we feel. I always say this. I said, my country comes first. That's all I can say. My country is most important to me. You know, like they say, you're not a Hindu, you're not a Muslim, you're not a Christian, you're an Indian. So my country comes first. All right, guys. So y'all, now, yes, you have a question? Okay, this is the last question. Then there's more. So we'll continue. Yeah, but go ahead. मैं तो हर क्लॉज पढ़ता हूँ, सब कुछ. 5.1, 5.2, 1.1, 1.2, सब कुछ मैं पढ़ता हूँ. किसी को आई माइक्रो मैनेज एवरीथिंग. पूरा पूरी जो लाइफ है मेरी, आई माइक्रो मैनेज. तो सब कुछ पढ़ता हूँ.
as a celebrity? Sorry, I didn't get that. Ji. You're asking me whether we should sign agreements or endorsing, whether they should endorse brands. Whether they should so you're saying should celebrities endorse brands because that influences people to buy those brands. Pierce Brosnan. Okay, yeah. Well, basically it's that. Yeah. I think marketing people, because I was a media planner, I was an advertising agency. Abhinay also is part of the advertising industry. He also understands that. I think you get more eyeballs with, even Ajit is part of that. You get more eyeballs when you sign on a cricketer or a film actor. But I also think it's an actor's responsibility to sign on a brand that he believes in and that the message he passes out. I think that's very important. So if John Abraham fitness mein manta hai, ya motorcycles mein manta hai, ya, you know, he likes certain things, he will sign on brands that reflect his personality. He doesn't just want to be a model, he has to be a role model. Wo bahut zaruri hai. And that's a decision that you must take. There is no gun pointed at your head. And actors can do it for two reasons. Aap do reasons ke wajah se aap ye kar sakte ho. Either you want to build your equity or you want to make money. The choice is yours. For me, money is not important. And I say this on record, money is not important. Choosing the right brand is important. Money is a byproduct. Aap samajh rahe ho na meri baat? I spoke like a marketing person, no? Yeah. All right, thank you guys. But like I said, so... We made it with a lot of hard work, a lot of honesty. Or we are not opportunistic about this film. So even this color red, Ranglal ki jo baat kar rahe aap, it's about the blood that us soldiers have laid their lives for this country. So we're doing this out of utmost respect more than anything else. So I hope we can all honor that. Thank you.